गीता कॉलोनी पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। स्टोरी की स्कूटी बरामद, पहले किसी आपराधिक मामले में नहीं रहा शामिल। सीमापुरी पुलिस ने स्नेचर को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी। छीना गया मोबाइल फोन किया गया बरामद। पूर्वी दिल्ली के कॉलेजों में भी चल रहा है पोस्टर वॉर। दोनों पक्षों के लोग लगा रहे हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। स्टूडेंट्स में देखने को मिल रहा है जोश। पूर्वी दिल्ली के इलाकों में चल रहा है पेड़ों की छटाई का काम। लोगों को इससे मिलेगी काफी राहत। छटाई के बाद सड़क से हटा लिए गए पेड़ के बचे हुए हिस्से। साल में 10 दिन के लिए मिल सकता है स्कूल बैग से निजात। बच्चों ने स्कूल बैग में से राहत मिलने का किया स्वागत। काफी भारी रहते हैं बच्चों के स्कूल बैग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। शहादरा जिला के थाना गीता कॉलोनी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस ने एक चोरी के संबंध में थाना गीता कॉलोनी में FIR IPC के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ACP गांधीनगर के निर्देशानुसार SHO गीता कॉलोनी के नेतृत्व में मामले को सुलझाने के लिए टीम का गठन किया गया था। टीम ने अपराधियों के बारे में खुफिया जानकारी विकसित करना शुरू कर दिया। टीम ने अमर पैलेस झील खुरंजा के पास SDN मार्ग पर जाल बिछाया। सुबह करीब 9:30 बजे वाहन चेकिंग के दौरान झील खुरंजा की ओर से ग्रे रंग की स्कूटी पर एक संदिग्ध आता हुआ दिखा। पुलिस टीम को देखकर संदिग्ध ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। उसकी पहचान आरिफ के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि वह पहले किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं है। शहादरा जिला के सीमापुरी पुलिस को एक PCR कॉल प्राप्त हुई, जिसमें महिला ने बताया कि शाम लगभग 7 बजे का अज्ञात व्यक्ति पीछे से पैदल आया और निसरिया मस्जिद सीमापुरी के पास उसका मोबाइल फोन छीन कर ले गया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए SI भुवनेश्वर यादव, HC सुबोध और कांस्टेबल मुकेश को इस स्नैचिंग की घटना को सुलझाने का काम सौंपा गया। इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि एक लड़का छीना हुआ मोबाइल फोन के साथ निसरिया मस्जिद के पास घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और आरोपी अख्तर को निसरिया मस्जिद के पास से गिरफ्तार करके मामला दर्ज किया गया और उसके कब्जे से संपत्ति बरामद की गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव 22 सितंबर को होने वाले हैं और DSU की 4 पोस्ट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की लास्ट डेट 12 सितंबर है। ऐसे में जब हमने श्यामलाल कॉलेज और विवेकानंद कॉलेज के स्टूडेंट से बात की तो उनका कहना है कि विवेकानंद कॉलेज में चुनाव को लेकर कोई भी तैयारी देखने को नहीं मिली। वहीं श्यामलाल कॉलेज के छात्रों ने बताया कि बड़ी धूमधाम से चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। छात्रों ने बताया कि 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और बहुत अच्छी तरह तैयारियां चल रही हैं और साथ ही दोनों पक्षों के छात्रों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। अगले महीने चुनाव हैं और चुनावों को देखते हुए अभी से तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। मेरी बहुत हेल्प करी यहाँ के जो लीडर्स हैं और जो टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी लाइक फॉर्म फिल करने में, क्योंकि मुझे नहीं पता रहता कि हम फ्रेशर्स हैं, हमको नहीं पता कौन से फिल करने फॉर्म और कैसे करने हैं। अभी पोस्टर लगाए जा रहे हैं और तैयारी अभी जारी है इलेक्शन को लेकर और सभी बच्चों से जानकारी जा रही है। जो भी बच्चे आ रहे हैं सबको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, अब अपने इलेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। इलेक्शन की एकदम जोर जोर से तैयारी चल रही है। NSUI और ABVP दोनों डेली रैली करते हैं और कॉलेज में पूरा माहौल बना हुआ है इलेक्शन का। तगड़ा इलेक्शन 2 साल से नहीं हुए, पर श्यामलाल तो इलेक्शन के लिए फेमस ही है, तो NSUI पहले भी एक्टिव थी, आज भी एक्टिव है। तैयारी तो अंदर सर बहुत जोरों शोरों से चल रही है, अंदर कैंपेनिंग चल रही है फिलहाल तो बहुत बढ़िया। साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं आपके कॉलेज में जी, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? उत्साह तो सर बहुत ज़्यादा है, अंदर काफ़ी दिनों से सभी पार्टीज़ के लगे हुए हैं, ABVP NSUI वगैरह के। बहुत सारी टीम है कॉलेज में, मेरे जो हमारे जो ग्रुप्स है जो हमें बहुत सारा मतलब सपोर्ट कर रही है, जैसे फ्रेशर्स हैं कॉलेज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, बहुत अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं वहाँ के। एक्चुअली मतलब सही है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐतिहासिक ये चुनाव इसलिए इतना खास होने वाला है कि एक तो 3 साल बाद सबको एक्साइटमेंट बहुत है। जो फर्स्ट ईयर का छात्र जितनी एक्साइटमेंट उसको है, उतनी ही एक्साइटमेंट सेकंड और थर्ड ईयर वालों को भी इस साल चुनाव में है, तो वो सभी लोग बढ़ चढ़ के इस चुनाव में पूरा हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट। जैसे
फ्रेशर आता है उनको बहुत नया नया बच्चा आता है 12वीं पास करके, तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि भाई चुनाव देखने को मिलेगा। एक भीड़ रहती है, एक मतलब आप देखते हैं हवा का माहौल, शोर शराबा जो प्रचार करने का हमारा तरीका रहता है पूरे दिल्ली जिला छात्र संघ चुनाव में, ऐसा है जी पार्टी तो आती जाती रहती है पर असली जो छात्र देखता है कॉलेज के अंदर, और आप लोग भी इतिहास अगर उठा के देखेंगे डूसू का, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी से पूरा क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है इस बार। भाई बिल्कुल बढ़िया इलेक्शन हो रहा है, कोई इधर मारपीट वाला कुछ काम नहीं है, बिल्कुल आराम से इलेक्शन, आउटसाइडर वगैरह कोई अंदर इतना आते जाते हैं नहीं। और कॉलेज का कुछ नहीं, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं सब जितना कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोग इकट्ठा कर सकते हैं सब कर रहे हैं अपने। तो आज जो महाविद्यालय में बच्चे हैं, जो हमारे छात्र छात्राएँ, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो ना थर्ड ईयर को इलेक्शन के बारे में चाहता कुछ ज्ञान है, ना सेकेंड ईयर को ना फर्स्ट ईयर को, उन सब के अंदर एक उत्साह है। और वो उत्साह के साथ साथ जो हमारे नए साथी आ रहे हैं, जो कि फर्स्ट ईयर के हमारे भाई बहन कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, वो ये देख पा रहे हैं कि महाविद्यालय का या विश्वविद्यालय का जो परिसर है उसमें चुनाव कैसे होते हैं। पर्चे फैलाने में यानी कि गंदगी को बढ़ाने में किसी पार्टी का हाथ है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। इन लोगों ने जैसे कि अभी हमारा नेक A++ हमारे कॉलेज को मिला नेक में। कॉलेज का अच्छा वातावरण है, मतलब आपको अगर कोई हेल्प चाहिए हो, आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो जितने भी बच्चे हैं वो सारे NSUI के पास ही जाते हैं, मतलब हर तरीके की हेल्प प्रोवाइड करी जा रही है स्टूडेंट्स। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में काफी समय के बाद पेड़ों की छटाई की जा रही है, ऐसे में जिन पेड़ों की टहनियां काफी फैल चुकी हैं या सड़क तक आने लगी हैं उन्हें काटा जा रहा है। ऐसे में JCB मशीन के साथ साथ कई कर्मचारी भी औजारों के सहारे इन पेड़ों की छटाई कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। पेड़ों की छटाई के बाद बचे हुए हिस्सों को सड़कों से हटा लिया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जहां एक ओर बोर्ड के एग्जाम साल में दो बार करने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों को स्कूल बैग से निजात दिलाने के लिए उनके स्कूल बैग्स को हल्का करने और साल में 10 दिन के लिए स्कूल बैग्स ना लाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में बच्चों का कहना है कि अभी उनका स्कूल बैग काफी भारी रहता है और उन्हें क्लासेस के लिए तीसरे से चौथे फ्लोर पर जाना पड़ता है, जिससे काफी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में अगर कुछ दिनों के लिए स्कूल बैग से निजात मिलती है तो काफी राहत मिलेगी। कभी कभी हो जाता है भी। वो थर्ड फ्लोर तक चढ़ने में भारी बैग उठा के फिर वापस आना, तो वो बहुत हैवी लगता है। सही है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें हमें थोड़ा वो पढ़ाई से हट के थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत हैवी होता है, शोल्डर्स में पेन हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है कभी कभी, तो जब मतलब ज़्यादा जैसे बहुत सारे पीरियड्स होते हैं तो बहुत हैवी हो जाता है। सही रहेगा, ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ने में भी आसान हो जाएगा और शोल्डर्स में भी पेन नहीं होगा। स्कूल बैग लाइक हैवी होता है 5 kg अराउंड, और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर नहीं थर्ड फ्लोर और जो छोटे और होते हैं लाइक 6 to 8 उनको फोर्थ फ्लोर जाना होता है। एंड अब उनके लिए हमारे स्कूल ने ये फैसिलिटी की है कि उन्होंने लाइक केसेस बनाए हैं कि लाइक हर क्लास का वो उनको केस में है जिसमें वो स्पेस में वो रखते हैं बुक्स, तो इसलिए उनको इजी रहता है। बट अगर हमारी बात करें तो हमें कैरी करना होता है, हमारे लिए कोई ऐसी ये बेनिफिट नहीं है हमारे लिए। बैग तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है पर तब भी मतलब उसके हिसाब से ठीक होता है, मतलब कि हम लोग जितनी बुक्स ले जा सकते हैं उतनी ले जा पाते हैं, और जैसे NCERT जो मोटी बुक्स होती है उनको मतलब ज़्यादा हर रोज़ ही मंगवाते हैं, मतलब कभी कभार ही मंगवाते हैं। हाँ, स्कूल वालों को मतलब थोड़ा नीचे करना चाहिए मतलब फ्लोर्स को हमारे लिए अभी तक, और बड़े बच्चों के लिए ऊपर रखने चाहिए क्योंकि बड़े बच्चों की इतनी बुक्स भी लाने की इतनी नीड नहीं होती, और उनका अगर ऊपर होगा तो भी वो चल लेंगे। स्कूल बैग बहुत हैवी लगता है क्योंकि बहुत उसमें बहुत हमारी मोटी मोटी किताबें हैं, NCERTs बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन अगर नहीं लाएंगे तो वो कहेंगे बाहर खड़े हो जाओ, फिर पनिशमेंट दे देंगे, फिर अगर ने और अगर कुछ मैम कहती है कि आप डायरी नोट लिख लो। स्कूल को हमारे लिए भी हमारे लिए एक लॉकर बनाना चाहिए जिससे हम अपने जो बाकी सारा सामान है हम रख पाए, वहाँ के जो भी हमें डेली यूज़ में चाहिए होती है और जो भारी होती है, जिससे हमारा स्कूल का बैग होता है वो लाइट वेट होए। इलाकों में गंदगी जैसे आम बात हो गई है, सरकार दावे तो बहुत करती है कि इलाकों में साफ सफाई रखी जा रही है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो केवल खानापूर्ति ही की जा रही है। अगर बात करें यहाँ ऋषभ विहार या शरद विहार की तो यहाँ काफी ज्यादा गंदगी फैली रहती है। लोगों का कहना है कि G20 के तहत फुटपाथों को नया रूप दिया जा रहा है लेकिन कूड़ा उठाया नहीं जा रहा, जिससे अभी गंदगी यूं ही फैली रहती है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। G20 को देखते हुए अगर कोई काम हो रहा है तो वो तो मेन रोडों पे हो रहा है, जिन पे कभी फुटपाथ नहीं बना था उन पे फुटपाथ बनाए जा रहे हैं,
फुटपाथ बन रहा है, सब्जी वालों ने जिस पे कब्जा कर रखा था और अपनी रेडियाँ लगा रखी थी उनको अडा अडा के फुटपाथ बनाया जा रहा है। बस मेन मेन पे काम हो रहा है, वैसे तो गली मोहल्ले में जो पैसे पहले था वैसे ही अब भी है। अभी फिलहाल तो लोहे के बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए हैं, उससे गाड़ी आती है और कचरा उठाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले से अब मेन रोड पे तो फिलहाल ठीक है। अब हो सकता है कि जिस समय G20 का मीटिंग चल रहा हो उस समय आ जाएं झाड़ू लगाने वाले या सफाई करने वाले, अभी फिलहाल तो कोई ज़्यादा उनमें नहीं। हाँ, जो इनका डिपार्टमेंट है PWD का, वो डिपार्टमेंट कुछ काम कर रहा है, फुटपाथ बना रहा है। आप देख सकते हो सामने सामान रखा हुआ है और फुटपाथ सारे बना रहे हैं, वही कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। अभी कूड़ा वगैरह का तो उसी तरीके से है जैसे पहले था, कोई ऐसा नया कुछ नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ कचरे अभी भी पड़े हुए हैं, नॉट ओनली डिस्पेंसरी, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। नाले निकले हुए हैं बारिश से पहले, बारिश भी हो के चुकी है, वो बह के फिर नाले में चले जाते हैं। तो MCD का दायित्व है इन चीज़ों को दुरुस्त करने का। अब जो बड़े अधिकारी लोग हैं या बड़े नेता हैं, वो गली कॉलोनियों में तो आकर देखते नहीं हैं, और वो राजनीति करते हैं प्रदेश लेवल की। उनके जो प्रतिनिधि हैं वो उनकी चमचागिरियों में लगे रहते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो। परंतु मैं सभी के लिए कह रहा हूँ ये बात कि अपने जो छोटे कार्यकर्ता हैं या जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनकी मीठी बातों में ना आके सच्चाई को जाकर देखो। कॉलोनियों में जगह जगह गंदगियों के ढेर अभी भी दिख जाएंगे आप। सफाई वहाँ चल रही है जहाँ पे जो गेस्ट आ रहे हैं, और उनमें कोई हो नहीं रहा। और तो फुटपाथ पहले तो बनते नहीं थे, आज फुटपाथ बन रहे हैं, लोग हट रहे हैं, लेकिन अभी भी गंदगी है। पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पेड़ देखो, अब देख रहे हैं कट ही नहीं रहे हैं, पेड़ वहाँ कट रहे हैं जहाँ सफाई हो रही है, जहाँ पे लोग गेस्ट आ रहे हैं। ज़्यादा करके लीला रोड की तरफ सफाई हो रही है तो वहाँ रोड बन रही है, बाकी अन्यथा कहीं नहीं बन रही है। वो वैसे पड़ा हुआ टाइम टाइम उठाया नहीं जा रहा, सिर्फ फुटपाथ पर ध्यान दिया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं और सफाई की जा रही है, बाकी कूड़ा जहाँ पड़ा है वहाँ से पड़ा हुआ है, गंदगी वैसे ही हो रही है। पूर्वी दिल्ली में अनगिनत ATM बूथ ऐसे हैं जो सुनसान जगहों पर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के लगे हुए हैं, जिनमें कई बार वारदातें हो चुकी हैं। हर दूसरे दिन ATMs में चोरी की वारदातें देखने को मिलती रहती हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने कई जगहों का जायजा लिया, जहां पर कुछ ATM के बाहर गार्ड नजर आए तो कुछ के बाहर गार्ड नजर नहीं आए। गार्डों ने तो यह तक कहा कि अगर आपको सर्वे करना है तो आप रात में सर्वे करिए और किसी भी ATM के बाहर आपको गार्ड नजर नहीं आएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में कई ऐसे ATM हैं जिसमें दोपहर के वक्त भी जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो मौजूद नहीं है। ऐसे हमने कई इलाके में जायज़ा लिया है, जहां पर देखा कि बैंकों के अंदर जो है बैंक के ठीक सटीक जो है ATM मशीन लगाई गई है और उसके अंदर कोई भी गार्ड जो है तैनात नहीं है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जहाँ पर नरेला इलाके में एक सुनसान जगह ATM की मशीन लगाई गई और वहाँ पर कोई गार्ड तैनात नहीं था, जिस वजह से बदमाश आए और ATM मशीन उड़ा कर ले गए। उसमें रखा जितना भी कैश था वो भी वहाँ से लेकर फरार हो गए। हमने गार्डों से बातचीत करने की कोशिश करी तो गार्डों ने कहा कि अगर आपको सर्वे करना है तो रात में आके देखिए कि कोई भी गार्ड जो है वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं वो उस पर लगाम कब तक लग पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सीएसएन लाइव, दिल्ली। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद कांग्रेस की मीटिंग में 7 सीटों की तैयारी की बात कही गई थी। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तैयारी का ऐलान कर दिया है। 7 सीटों पर हर विधानसभा क्षेत्र पर आपने अपने पदाधिकारी घोषित कर दिए हैं। यमुना पार की दोनों सीटों पर भी पदाधिकारी घोषित किए गए हैं। आइए आपको बताएं कि इन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी किसे दी गई है। पूर्वी दिल्ली सीट पर जंगपुरा से हरपाल सिंह और ओखला से मोहम्मद खालिद को विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। त्रिलोकपुरी से सत्यनारायण बटोला, कोंडली से संजय चौधरी, लक्ष्मीनगर से सुनील सिंह और विश्वास नगर से दीपक सिंगला विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष होंगे। दीपक सिंगला पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा कृष्णनगर से पूर्व पार्षद श्रवण दीक्षित, गांधीनगर से नवीन चौधरी दीपू और शाहदरा से मनोज त्यागी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सभी क्षेत्रों से संगठन मंत्री भी बनाए गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से विमलेश कोहली और सीमापुरी पूर्व विधायक सरिता सिंह को रोहतास नगर, अख्तर सिद्दीकी को सीलमपुर, वीरेंद्र चौधरी को बाबरपुर, अशोक शर्मा को गोकुलपुर,
सन्नी उपाध्याय को बुराड़ी, अनिल चौधरी को तिमारपुर, पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा को गोंडा, कमल शर्मा को मुस्तफाबाद और ब्रजेश शर्मा को करावल नगर क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। इन सभी क्षेत्रों से भी संगठन मंत्री बनाए गए हैं। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CNN Live। नमस्कार।